पिछले 48 घंटे की बात करें तो इसराइल के तकरीबन 11 सैनिक मारे गए हैं और 15 से 20 सैनिक का गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सैनिकों की मौत जो इसराइल ने कबूल की है, ये फिलिस्तीन और लेबनान के बॉर्डर पर की है। हालांकि हिजबुल्ला और फिलिस्तीन की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें इजरायली सैनिकों की मौत की संख्या और घायल सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इतने सैनिकों की मौत को जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और भी कुछ फ़ोटो हैं, इसराइल की सेना ने कबूल कर लिया है। इसराइल की पैदल सेना गाज़ा के अंदर भी घुसी हुई है और लेबनान के बॉर्डर पर भी घुसी हुई है, और वहीं पर हिजबुल्ला के एक या दो लड़ाके घात लगाकर हमला करते हैं और इनको मार देते हैं। ऐसे ही गाज़ा के अंदर भी हमास के लड़ाके ज़मीन के नीचे विस्फोटक बिछाकर इनको निशाना बना रहे हैं। फिलहाल एक साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इसराइल अभी भी दोनों मोर्चों पर पूरी तरीके से नहीं जीत पाया है। ये हो गई बात इसराइली सैनिकों की मारे जाने की और घायल होने की। अब इसराइल के हमलों की बात कर लेते हैं। इसराइल हवाई हमले करता है, आपको मालूम ही है, और उन हवाई हमलों में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसराइल ने बेरूत के ऊपर बहुत सारे हमले किए। इसराइली हवाई हमलों में बेरूत के अंदर एक ही झटके में 30 लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने लेबनान के दहिये एरिया में पिछले हफ्ते तकरीबन 40 हमले किए। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे आम लोग रहते हैं, उनके घरों को इसराइली सेना ने हवाई हमले करके तबाह कर दिया। इसराइल हमेशा हवाई हमले करता है। इसराइल के अगर 10 सैनिक मारे जाते हैं तो इसराइल बदले में 50 या 100 लोगों को मार देता है। दो मोर्चों पर यहाँ लड़ाई चल रही है, उधर सीरिया के अंदर भी इसराइल लड़ाई छेड़ना चाहता है और लगातार हमले कर रहा है। 14 तारीख को यानी कल दमिश्क में एक बार फिर से इसराइली सेना ने हवाई हमले किए। उन हवाई हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल हवाई हमले करके लोगों का जातीय सफाया कर रहा है। इस पूरी जंग में ईरान, यमन, ये दोनों देश क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर दुनिया में देशों के मामले में देखा जाए तो ईरान और यमन ही एक ऐसे देश हैं जो इस जंग में खुलकर सामने हैं इसराइल के खिलाफ। बाकी कोई भी इस्लामिक देश ऐसा नहीं है जो खुलकर इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो। बाकी एक सीरिया है, सीरिया भी इस जंग में बहुत अहम रोल निभा रहा है। सीरिया कोई पीछे नहीं है, जितना भी असला बारूद हथियार लेबनान पहुंचता है या फिर यमन तक पहुंचता है, वो सीरिया के एरिया से ही पहुंचता है। सीरिया का और ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। जैसे कि अभी आपने इस वीडियो को देखा जिसमें भाई बता रहे थे कि जो हिजबुल्ला है, इसने जो इसराइली सैनिकों को मारा है, पहले तो इसराइल ने उन सैनिकों को अपनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा था कि मेरे सैनिक नहीं मारे गए हैं, लेकिन अब इन्होंने स्क्रीन पर चंद फोटो को आपके सामने जाहिर किया और बताया कि अब इसराइल ने इन सैनिकों की मौत को कबूल कर लिया है। उसने कहा था कि जो ये सैनिक मरे हैं ये मेरे ही सैनिक हैं। और इसी में भाई ने ये भी बताया कि जो जंग हो रही है वो जंग में हिजबुल्ला कितना साथ दे रहा है फिलिस्तीन का, गाज़ा का, और किस कदर वो मुसलमानों की तरफ से एक हिमायती की तौर पर लड़ रहा है, और उसने कितने इसराइली सैनिकों को घायल कर दिया है और कितनों को मौत के घाट उतार दिया है, ये तमाम लिस्ट आपके सामने ये बता रही थी। मैं आपसे यही कहूँगा कि अल्लाह से दुआ है कि रब्बे काबा अपने हबीब के सदक़े से इसराइल को निस्तो नाबूद फरमाए और जो वहाँ पर इसराइल में ईमान वाले हैं उनकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह से दुआ है कि फिलिस्तीन की हिफाजत फरमाए। जिस तरीके से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ की थी, अल्लाह उनकी दुआ के सदक़े से वहाँ के ईमान वाले मुसलमानों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उन्हें हर परेशानी से, हर बला से महफूज फरमाए, और मौला उन पर अपनी नजर